ओर देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी किया गया है, तो वहीं इसी बीच लॉकडाउन में सभी सेलिब्रिटीज अपने घरों में कैद हैं और घर में कैद होने की वजह से कोई पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं सेलिब्रिटीज कुकिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच लगातार तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं अपने फैंस के बीच। सेलिब्रिटीज ने कई वीडियोस और तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके जरिए सामने आ रहा है इनका एक से बढ़कर एक कारनामा। इसी बीच हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शादी के बंधन में बंधने के बाद काम्या पंजाबी अपने पति के साथ कुछ खास लम्हे बिताती हुई नजर आई। जी हाँ, उनकी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। इसी बीच उन्होंने शेयर की है सोशल मीडिया पर बेहद ही रोमांटिक सी तस्वीर। काम्या ने अपने पति शलभडांग के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में शलभडांग के साथ वो डिनर डेट एंजॉय करती हुई देखी जा रही हैं। काम्या और शलभ की शादी इस साल 10 फरवरी को हुई थी, जिसके चलते लगातार दोनों ही सुर्खियों में बने हुए थे। वहीं आपको बता दें, इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, डिनर डेट मेरे पति डांग के साथ। काम्या और शलभ की इस तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह तस्वीर है उनके घर की तस्वीर। वही तस्वीर में पीछे का नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत ही डूबे हुए भी नजर आ रहे हैं और इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों ही बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। काम्या पंजाबी और शलभ डांग ने शादी के बाद 11 फरवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी और इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज और उनके करीबी दोस्त भी पहुंचे थे और उन्हें बधाई भी दी थी। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर काम्या पंजाबी और शलभ डांग बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। इस प्यारी सी जोड़ी को देखने के बाद किसी की निगाहें उनसे हट ही नहीं रही थी। वेल दोस्तों, देखा जाए तो काम्या पंजाबी शादी के बाद लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आई हैं और अब कोरोना वायरस के दौरान उनका ये बड़ा कारनामा सामने आया है, किस तरीके से वो लॉकडाउन के समय अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। वेल, आपको कैसी लगी काम्या पंजाबी की ये खूबसूरत तस्वीर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।